इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको लास्ट आइसलैंड ऑफ सर्वाइवल गेम के अंदर सर्वर डिसकनेक्टिंग का एरर आता है, शो करता है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है आपको सिम कार्ड से मोबाइल नेटवर्क पर जाना है और मोबाइल डेटा को चेक कर लेना है कि ऑन है या नहीं है। तो अगर ये बंद है तो उसको स्टार्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक दफ़े अपने फ़ोन में एरोप्लेन मोड भी लगा लेना होगा और उसे बंद कर देना होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से बैक लाना है, और बैक लाने के बाद अगर एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, डेट एंड टाइम बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट नहीं होगी तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा भी आगे पीछे इसे मत रहने दीजिएगा, बिल्कुल मतलब कि सेट कर लीजिएगा। तो ये सेटिंग्स आपको जितनी भी हैं सारी करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपका जो इश्यू होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आप जो है अपने प्ले स्टोर से उसको, अगर उसमें अपडेट आ रहा हो तो अपडेट करते रहिएगा, अगर अपडेट नहीं करते हैं तो आपको वरना इशू आ सकता है। और लेकिन फिर भी अगर आपका इशू सॉल्व नहीं हो रहा है तो गेम को अनइंस्टॉल मार के दोबारा इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से ही, तो फिर वो इजीली रन कर जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।